नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट और उसके अंदर कुछ हिडन पॉइंट्स और कुछ न्यूज़ के बारे में चर्चा करूंगा। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, यहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। देखिए, आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जो बेसिकली 1976 में स्टार्ट हुआ था और एक रेलवे कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं। तो बेसिकली जितने सारे कंस्ट्रक्शन के काम है, स्टेशन मैन्युफैक्चरिंग के, सॉरी, स्टेशन बनाने के काम, रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर, रेलवे के कंस्ट्रक्शन के ऊपर, ब्रिज कंस्ट्रक्शन के ऊपर, यही कंपनी काम करते हैं। तो एक पीएसयू कंपनी होने के नाते भी कंपनी के जो सेक्टर वाइज जो बिजनेस है, सेक्टर वाइज जो काम है, वो बहुत स्पेशल है एंड स्पेशलाइजेशन के हिसाब से कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी के अगर एक बार ऑफिशियली वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको पूरा क्लियर कट डिटेल्स मिल जाएगा कि एक्चुअली कंपनी काम क्या करते हैं। तो देखिए, किसी भी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने से पहले सबसे पहले उस कंपनी का बिजनेस को समझ लीजिए। क्या वो बिजनेस फ्यूचर में ग्रोथेबल है? क्या वो बिजनेस आपको आज ग्रोथेबल लग रहा है, फ्यूचर में उसका ग्रोथ रुक सकते हैं? अगर इसी तरीके से हाई ग्रोथेबल कंपनी आपने सही तरीके से ऑब्जर्व कर लिया, सही तरीके से कंपनी के ऊपर स्टडी कर लिया, तो ऑब्वियसली वो कंपनी आपको फायदा दे सकते हैं। जैसे देखिए, कंपनी हाईवे के काम, साथ ही साथ रेलवे का जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर काम, ब्रिज एंड जो रेलवे का ब्रिज है उस कंपनी का फ्लाईओवर, इस तरीके से प्रोजेक्ट के काम, साथ ही साथ सिग्नलिंग और टेलीकॉम के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल जो जो वायर हाउस है उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है बहुत स्ट्रांग है। हाँ, ये बात सही है कि इस कंपनी का बिजनेस तो स्ट्रांग है, दूसरी बात को भी आपको याद रखना है, कंपनी एक पीएसयू कंपनी है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि पीएसयू कंपनी लास्ट कुछ 2 ईयर्स में धमाका रिटर्न दिया, तो उसी तरीके से वो कंटिन्यू रिटर्न देते रहेंगे, तो ऐसा सोचना भी गलत होगा। क्योंकि हिस्ट्री बता रहा है कि पीएसयू बैंक ने जिस तरीके से रिटर्न जनरेट करके दिया, वो प्राइवेट बैंक से कई गुना कम है। हाँ, लास्ट कुछ 2 ईयर्स में धमाका क्यों हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट कुछ ऐसे डिसीजन लिया जिस डिसीजन के कारण कंपनी भागता हुआ देखने को मिला। हाँ, अभी गवर्नमेंट कौन आएगा 2024 की इलेक्शन खत्म होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, तब इसके ऊपर कुछ अलग डिसीजन बन सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट और भी पुश कर सकते हैं इस सेक्टर को, अगर पुश करेंगे तो आगे बढ़ने का भी चांसेस देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो गुड अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप देखेंगे तो इंडिया आर्कॉन इंटरनेशनल जम 144 मिलियन ऑर्डर विन। तो कंपनी को इस न्यूज बहुत पुराना है, फिर भी देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कोई भी न्यूज आने के बाद कंपनी के ऊपर कुछ दिनों के बाद ही उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। देखिए, न्यूज आने से कुछ दिन पहले और न्यूज आने का कुछ दिन बाद एक जर्नी देखने को मिलता है। ऐसे नहीं कि जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन न्यूज आएगा, उसी दिन भागता हुआ देखने को मिलेगा, ऐसे बहुत कम टाइम आपको देखने को मिलेगा। हाँ, शायद 5-6% टारगेट होगा, वो अलग बात है। 10-15% का जर्नी एक 2-3 दिन के अंदर, ऐसे न्यूज आने से पहले, नहीं तो न्यूज आने का 2-3 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद भी हो सकते हैं। उसी का झलक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इस डेटा को आपके साथ शेयर करूँ, आप देख सकते हैं कंपनी इसके ऊपर किस तरीके से करेक्शन हो रहा था और कंपनी किस तरीके से उसको रीबैक किया, किस तरीके से कंपनी फिर से वापस गया। तो कहने का मतलब है कि कंपनी जिस तरीके से यहाँ पे खुद को रिप्रेजेंट किया, जिस तरीके से आगे बढ़ा, कंपनी अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए बुलिश हूँ, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक पैटर्न बनने जा रहा है, काफी ध्यान है पैटर्न। तो ये पैटर्न अगर कम्प्लीट हुआ तो एक बड़ा धमाका और बड़ा एक टारगेट एंट्री लेवल के हिसाब से मैं जरूर यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है आर्कॉन के बारे में, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है पंजाब नेशनल बैंक। तो देखिए, पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर मैं सबसे पहले बात करूँ, कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो फाइनली आ चुके हैं और रिजल्ट सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि पीएनबी के ऊपर अगर इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई भी घोटाला हुआ है बैंकिंग, वो सबसे ज़्यादा घोटाला आपको पीएनबी के ऊपर ही देखने को मिलेगा। क्योंकि पीएनबी एक ऐसे प्राइवेट, ऐसे पीयूसी बैंक है जो सबसे ज़्यादा लोन दिया कॉरपोरेट को और उस लोन को वो डिफॉल्ट कर बैठे, मतलब उस लोन को वो एनपीए के हिसाब से दिखा बैठे। और एक टाइम इस कंपनी के एनपीए कितना था, अराउंड 5% के ऊपर था, और आज वो एनपीए का डेटा आपको 1% से भी नीचे देखने को मिलेगा। आप खुद ही यहाँ पे डेटा तो यहाँ पे अवेलेबल था, थोड़ा सा अपडेट अभी तक खुद या नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कंपनी का रिजल्ट किस तरीके से हुआ। 24,000 से 28,000 तक देखने को मिले, इंटरेस्ट भी कंपनी पेमेंट किए, उसके बाद एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल किया, उसके बाद नेट प्रॉफिट
1800 करोड़ से 3300 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है। अभी कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक, सबके पास अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टर अभी यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है। एक टाइम FIS के पास ना के बराबर होल्डिंग था। ये डेटा आपको और भी अच्छा लगेगा अगर मैं यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स क्लियर कर दूँ। अब ध्यान से देखना, FIS के पास एकदम 1% से भी नीचे होल्डिंग था। आज FIS खुद 4.5% होल्डिंग लेकर रखा है, 4.8% के आसपास होल्डिंग लेकर रखा है। तो इतना ज़्यादा होल्डिंग क्यों उठाया? क्या FIS बेवकूफ़ है? क्या DS बेवकूफ़ है? ऐसे बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि वो लोगों को रिसर्च टीम है और वो लोग बहुत सारा रिसर्च करके ही किसी भी कंपनीज के ऊपर डिसीजन लेते हैं। हाँ, उनका भी लॉसेस होता है, मगर उनका लॉसेस का चांसेस बहुत मिनिमाइज होते हैं, बहुत कम होता है। तो इंस्टीट्यूशन किसी भी कंपनीज के ऊपर काम कर रहा है तो उसका ग्रोथ रॉकेट बनेगा, ऐसा भी सोचना गलत होगा। हाँ, उसमें एक पॉसिबिलिटी है आगे बढ़ने के, वो दम रखेंगे। तो बाकी PNB के ऊपर जो मेरा ट्रेड था वो ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिस तरीके से कंपनी के ऊपर ट्रेड बने। तो फाइनली एक देखिए लंबा सा जर्नी के हिसाब से एक कफ विद इनहेरिटेंस बना। तो कफ विद इनहेरिटेंस पहले भी एक बना था, उस पहले वाला का जो टारगेट था वो अचीव हो चुके हैं। नेक्स्ट टाइम जो मैंने एंटी को जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, एक्चुअली फर्स्ट टाइम एंटी जो था उसी एंटी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, और मैं जो टारगेट लेकर चल रहा हूँ करीबन 170 रुपीज़ के ऊपर जो कुल मिलाकर टारगेट मिलेगा 75%। और तो बेसिकली टोटल ओवरऑल बात करें तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक टारगेट मिलने का चांसेस है, क्योंकि इसका लाइफ टाइम जो हाई है जहाँ पे स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है, तो उसी लेवल के नीचे टारगेट बना है। तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इस टारगेट को वो अचीव करने का कोशिश करेंगे। तो बाकी आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, और वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। अभी चलो देख लेते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसका नाम है अदानी विलमार। देखिए अदानी विलमार के ऊपर बहुत दिनों से मैं इस कंपनी के ऊपर टेल लेकर रखा हूँ, तो बहुत टाइम हो चुका है, तो कोई खास परफॉर्मेंस हुआ नहीं, उल्टा मुझे लॉसेस झेलना पड़ रहा है। तो ऐसे नहीं कहूँगा कि कंपनी बेकार है तो जिसके कारण मैं कंपनी के ऊपर बैठे हुआ हूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी का परफॉर्मेंस धीरे धीरे करके सुधार होता देखने को मिला है। जो एक टाइम कंपनी प्रॉफिट को कम किए थे उसके बाद 2 बार लॉसेस किया, और वही लॉसेस को कंपनी रिकवरी कर रहा है। इसका मतलब कंपनी नेगेटिव से फिर से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। और टाइम लग सकता है, क्योंकि कुछ कंपनीज के ऊपर कभी भी नेगेटिव न्यूज़ आए तो उसको रिकवरी करना इतना आसान नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा। मान के चलिए आपने कोई भी खराब काम नहीं किया, फिर भी आपको आपके ऊपर आरोप लगाया गया कि आप खराब काम किए हैं, तो उसके लिए आपको वो क्लीन चिट मिलना और आपका ऊपर जो धब मतलब दाग लग चुके हैं उसको मिटाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। देखिए अच्छे बनना जिस जैसे बहुत टाइम लगते हैं, बुरे बनना बहुत कम टाइम लगते हैं। और बुरा ना बनने के बाद भी आपके माथे पे अगर बुरा कोई दाग लग गया तो उसको मिटाना और भी बहुत बहुत बड़ा मुश्किल है। तो बेसिकली मैं आप कहेंगे ज़्यादा बात में बता रहा हूँ, ऐसे बात बताने का मकसद यही है कि किसी भी कंपनी को आपको सिंपल तरीके से देखना है, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके देखना है। हाँ, कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस अगर ठीक ठाक है, उसका बिजनेस स्ट्रैटेजी ठीक ठाक है, उसका ओनर ठीक ठाक है, तो उस कंपनी के ऊपर आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। देखिए अदानी विलमार, अदानी ग्रुप के साथ विलमार ग्रुप, ये दोनों कंपनी एक साथ जुड़कर काम कर रहे, दोनों के पास 50-50% होल्डिंग है। हाँ, एक दोस्त ने मुझे कमेंट्स किया था कि सर अदानी विलमार के 100% मतलब प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है वो पूरा के पूरा के 100% कंपनी के पास है, अदानी के पास? बिल्कुल नहीं। अदानी एक कंपनी है और विलमार एक कंपनी है, दोनों कंपनी एक साथ मार्च होकर मतलब दोनों कंपनी पार्टनरशिप के हिसाब से अदानी विलमार को चला रहा है। एक टाइम ये भी सुनने को मौका मिला था कि अदानी खुद के जो स्टेक है वो विलमार को बेच देंगे और एडेबल इंडस्ट्री से वो बाहर हो जाएंगे, तो वो फेक न्यूज़ था। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी फेक न्यूज़ को आपको वेरीफाई जरूर करके काम करना है, क्योंकि आप हमेशा एक बात को याद रखना कि न्यूज़ देखकर काम करना आप चाह रहे हैं तो आप बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ में रिटेल पब्लिक को फंसाया जाता है, रिटेल पब्लिक को गुमराह किया जाता है। तो प्लीज़ एक बार सोच समझ कर काम करना। और बेसिकली अदानी विलमार के ऊपर एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट इसीलिए नहीं किया, क्योंकि प्रोमोटर जब तक खुद के स्टेक को नहीं बेचेंगे तब तक माल इंस्टीट्यूशन नहीं उठाएगा। स्टेक को बेचेंगे मतलब क्या है कि सेबी के रूल के हिसाब से किसी भी प्रोमोटर के पास 75% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है? 87%, मतलब अराउंड 13% के आसपास, 13% से ज़्यादा परसेंटेज को
प्रोमोटर को बेचना पड़ेगा। साथ जब बेचेंगे तब इंस्टीट्यूशन उस प्रोडक्ट का खरीदारी कर सकते हैं। तो बाकी अदानी व्हील मार्क के ऊपर जो चार्ट पैटर्न बना है उसके बारे में बात करूँ तो एक रेंज बना है। उस रेंज को जब भी इस निचले लेवल को टच किया तब मैंने एंट्री लिया और मैं इंतजार कर रहा हूँ कब इस हाई लेवल तक जाएगा और टारगेट को अचीव करेगा। अभी रेंज किस तरीके से बना था मैं वो आपको बता दूँ। देखिए रेंज कंटिन्यूसली बाइंग का 1 2 3 4 5 6 छः कैंडल बना और कंटिन्यूसली बाइंग बना, बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं था। तो इस तरीके से कोई भी अगर रेंज बने तो पहले डाउन साइड को और टॉप साइड को मार्किंग करना, ये पहला पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट होता है कि जब इस तरीके से कोई रेंज बने 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे बनना चाहिए। अगर नीचे बने तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो ऊपर वो जरूर जाएगा। कब जाएगा? जब इस नीचे लेवल को टच करेंगे तो वहाँ से वो ऊपर जाने का चांसेस है। तो बेसिकली मैंने बहुत पहले से ही एंट्री लेकर रखा हूँ और एंटी बेसिस में देखा है तो मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस इस तरीके से कुछ सिचुएशन में देखने को मिला। टाइम लग सकता है, आपको टाइम देना पड़ेगा और बाकी आपके क्या राय है मुझे कमेंट्स भी करना पड़ेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक कमेंट्स करके जरूर बताना मेरे वीडियो आपको कैसा लगता है। और हाँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा काम करना है तो आपके रिस्क को मैनेज करके आपके खुद के रिस्क को ऑब्जर्व करके काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है भारत डायनामिक लिमिटेड। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट है वो है स्प्लिट का। 24 मई कंपनी एक के बदले आपको अराउंड 2 शेयर देने वाला है क्योंकि फेस वैल्यू 10 था, अभी 5 होने वाला है। तो एक के बदले 2 शेयर आपको मिलने वाला है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं और उसके लिए सॉरी स्प्लिट पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। नितिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।